वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन फर्स्ट स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड है क्रेब्स साइकिल, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और फोर्थ है हमारे पास रिस्पायरेटरी चेन। फर्स्ट टू स्टेप आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। आज हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को स्टडी करेंगे। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल। ये केमिकल रिएक्शन की सीरीज होती है जिसमें पाइरूवेट यूज होता है और CO2 प्रोड्यूस होता है। पाइरूवेट हमने ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट बनाया था, वही क्रेब्स साइकिल में यूज होगा। अब क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया हुआ था। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन एसेंशियल है। ऑक्सैलो एसीटेट ये एक मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो साइकिल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं ये आपने याद करनी है। एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल से 3 CO2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल की यूटिलाइजेशन से ही 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। 3 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। 1 FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। 1 ATP या फिर GTP प्रोड्यूस होगा। तो ये टर्म्स आपने ज़बानी याद करनी है। साइकिल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पाइरूवेट का मॉलिक्यूल जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था, ये डायरेक्टली जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता। ये पहले कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में क्रॉस करता है तो NADH एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और कोएंजाइम ए को यूज़ करके कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसको हम एक्टिव एसीटेट भी कहते हैं। अब एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट में। सिट्रेट फर्दर से अपने आप को रीअरेंज कर लेगा आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, NADH का एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और ख़ुद को कन्वर्ट कर लेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अल्फा कीटोग्लूटारेट फर्दर एक CO2 मॉलिक्यूल और रिलीज करेगा, NADH का मॉलिक्यूल भी रिलीज करेगा और ख़ुद को कन्वर्ट कर देगा सक्सीनेट में। इस ड्यूरेशन के दौरान एक ATP की प्रोडक्शन भी होती है, यानी ATP या फिर GTP, ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो सक्सीनेट एक FADH2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट में। फ्यूमारेट सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल यूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। मैलेट NADH रिलीज करेगा और ख़ुद को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलो एसीटेट में। इसी तरह साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था क्रेब्स साइकिल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फोर्थ स्टेप है हमारे पास रिस्पायरेटरी चेन। तो रिस्पायरेटरी चेन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप के जरिए। तो ये हमारे पास है रिस्पायरेटरी चेन। तो सबसे पहले हमारे पास है NADH एक मॉलिक्यूल जो कि कोएंजाइम क्यू की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है और एक ATP का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम बी की वजह से ऑक्सीडाइज होता है। साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है और एक ATP का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। साइटोक्रोम सी क्योंकि कम्प्लेक्स साइटोक्रोम है तो ये फर्दर अपने आप को रिड्यूस करके साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन आइटम की मौजूदगी में और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देता है और इस ड्यूरेशन में एक ATP का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ये हमारे पास था रिस्पायरेटरी चेन। यहाँ पे हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है।